ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का सेशन नंबर 2 है, लेसन नंबर्स फर्स्ट, सिमिलैरिटी लेसन। सिमिलैरिटी लेसन जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेशन 2, मतलब जो फर्स्ट सेशन था मेरा वो फर्स्ट सेशन ऑन एक्सरसाइज 1.1 पे था, प्रैक्टिस सेट 1.1 सिमिलैरिटी का, बराबर है, ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन नंबर 2 है मेरा। ये सेशन नंबर 2 किसके ऊपर डिपेंड है, तो फर्स्ट हम थ्योरम देखेंगे। तो ये थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है सिमिलैरिटी लेसन में। ये जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये थ्योरम पूछा जाता है। तो ये क्या है थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, बराबर है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे ए बी और ए सी दो लाइन है, दो लाइन को दो पॉइंट इंटरसेक्ट किए हुए है एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई पॉइंट से एक लाइन बनी हुई है। तो ये जो लाइन है, ये थर्ड लाइन बी सी जो है उसको पैरेलल है, तो एक्स वाई इज ए पैरेलल टू बी सी। अगर एक्स वाई बी सी को पैरेलल रहेगी तो ये जो रेशियोज बने हैं वो दोनों रेशियोज भी इक्वल होते हैं, इसी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम थोड़ा स्टेटमेंट की तरफ से आएंगे और समझेंगे। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और जो रिमेनिंग दो साइड बचते हैं उसमें उसको वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो जो वो लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ये उसका कहना है। मतलब यहाँ पे ए एक्स इक्वल ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ये हमारा रेशियो है। ए एक्स इक्वल ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए थ्योरम में, थ्योरम में आगे चलते हैं, गिवन देखते हैं। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एक्स वाई पैरेलल टू साइड बीसी, जो मैंने बताया है एक्स वाई पैरेलल टू बीसी है, और सेकंड वन है लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, जो एक्स वाई लाइन है इंटरसेक्ट करती है ए बी एंड ए सी को। ओके, तो प्रूव क्या करना है हमें, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। तो ए एक्स और एक्स बी और ए वाई एंड वाई सी जो दो साइड्स डिवाइड किए हुए वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, वो हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी लगेगा, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ड्रॉ सेगमेंट बी वाई एंड सेगमेंट सी एक्स। तो ये देखिए एक्स वाई है, तो बी वाई को मैंने ज्वाइन किया है और एक्स सी को मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है। तो इससे क्या हुआ, ट्राइंगल में बहुत सारे पार्ट बन गए, अलग अलग छोटे छोटे ट्राइंगल हो गए। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का एक पार्ट यहाँ पे ले लिया है, तो कौन सा पार्ट है, ये ए वाई बी, ए वाई बी बाहर निकाली है और एक्स वाई जो लाइन है वो यहाँ पे रे मैंने दिखा दिया है, बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल है ए बी वाई, बड़ा ट्रायंगल, उसमें भी दो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए एक्स वाई और बी एक्स वाई, दो ट्रायंगल है जिसमें दोनों ट्रायंगल में कॉमन वर्टेक्स है एक्स, एक्स को हम कॉमन वर्टेक्स ले सकते हैं या फिर वाई को ले सकते हैं, वाई हम लेंगे यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट तो एक्स वाई है लेकिन हम यहाँ पे वर्टेक्स लेंगे वाई जो कि कॉमन वर्टेक्स है। तो वाई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एम, यहाँ पे देखिए एक्स बी वाई, या तो बी एक्स वाई ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं वैसे कुछ टेंशन नहीं, बी एक्स वाई ले लिया या तो वाई एक्स बी ले लिया या एक्स बी वाई लिया, सेम मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी एक्स वाई लूंगा, यहाँ पे मैं ट्रायंगल जो है वो बी एक्स वाई लूंगा, तो बी एक्स वाई ट्रायंगल में बी एक्स जो है वो है बेस और ये है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का हाइट जो होती है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर होती है वो आउटसाइड होती है बेस पे, तो ये बेस को एक्सटेंड करने के बाद हाइट मिल गई ये वाई एम। और दूसरा ट्रायंगल है जो हम एक्स ए वाई बोल सकते हैं, ए एक्स वाई बोल सकते हैं, वाई ए एक्स बोल सकते हैं, जो भी नाम लेना है ले लो, ठीक है, ए एक्स वाई बोलेंगे। तो ए इसमें ए एक्स बेस है और हाइट उसकी सेम है वाई एम,
तो इसका क्या मतलब हुआ, जो AX और BX दोनों बेस है, वो दोनों ट्रायंगल का ट्रायंगल की हाइट कॉमन है। हाइट क्या है, कॉमन है YM। ओके, सो टेक ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल AXY। ओके, लाइज ऑन, ये दोनों ट्रायंगल लाइज ऑन बेस AX एंड BX, बराबर है, AX एंड BX पे लाइज करते हैं, एंड इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, जो कि YM है, बराबर है, दोनों की हाइट यहां पे YM, दोनों की सेम हाइट है, तो यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू बेस वन हाइट वन बेस टू हाइट टू। ओके, तो यहां पे हाइट तो कॉमन है, तो हमारा रेशो बन गया बेस के ऊपर, तो बेस हमारा है BXY का बेस है BX और AXY का बेस है AX। ओके, चाहे तो हम इसको रिवर्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे लिए AX अपॉन BX है, तो हम इसको थोड़ा रिवर्स लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू AX अपॉन BX। ओके दोस्तों, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जहां पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया है AX अपॉन BX। ओके, तो अभी हमें AY अपॉन YC लाना है और दोनों इक्वल कैसे है वो भी बताना है। ओके, कौन सा ट्रायंगल AXC। तो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल देखा था, जो ABY है वहां पे सेपरेट पोर्शन लेके हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है AX अपॉन BX, हमारा एरिया आ गए। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल फोकस कीजिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल है AXC, उस ट्रायंगल में दो पार्ट है CXY एंड AXY। तो ऑब्वियसली CXY जो है वो है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, तो उसकी हाइट भी हमें XN बाहर प्लॉट की है, जो बेस CY का एक्सटेंशन है। ओके, तो XN इज ए हाइट, और AXY ट्रायंगल की हाइट भी XN है, बिकॉज इसका भी बेस AY है, तो इसमें भी इक्वल हाइट है, दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, ट्रायंगल AXY और CXY लाइज ऑन सेम बेस, लाइज ऑन बेस AY एंड CY एंड इक्वल हाइट्स XN। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CXY। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2 मीन्स यहाँ पे हमारी हाइट इक्वल है, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे AY अपॉन CY। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CXY इज इक्वल टू AY अपॉन CY, ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था AX अपॉन BX और सेकंड इक्वेशन है AY अपॉन YC। तो अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों है, ये दोनों इक्वेशन जो अभी इन यहां पे देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी यहां पे ट्रायंगल में, तो ए बी सी ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल हमने देखे, AXY BXY और CXY, बराबर है, AXY जो ऊपर का ट्रायंगल है, BXY जो यहां का ट्रायंगल है और CXY जो यहां है। देखिए यहां मैं इसको डार्क करता हूं, ओके, मैंने ये डार्क लाइन किए, अभी ट्रायंगल आपको समझ में आ रहे हैं कौन से ट्रायंगल लिए हमने, और ये कॉमन लाइन है XY, तो ये ट्रायंगल में AXY ट्रायंगल तो कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल हमने लिए, दोनों रेशियो में लिए, AXY तो कॉमन है, तो अभी प्रूव करना है हमें ये दो ट्रायंगल, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे, कौन सा बेस है XY, दोनों का कॉमन बेस है, और XY एंड BC तो पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों की हाइट भी कॉमन है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल
BXY and triangle CXY are lies on same base and parallel also equal in height. Okay, so area of triangle BXY is equal to area of triangle CXY. ये हमारा बन गया थर्ड क्वेश्चन. बहुत सारे दोस्तों को ये थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आता, तो थर्ड पॉइंट में दोबारा समझा बताऊंगा. देखिए यहां XY जो हमारी लाइन है वो BC को पैरेलल थी. इन दोनों के बीच में दो ट्रायंगल है BXY और CXY. तो दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है XY. दोनों भी ऑब्ट्यूज एंगल है, दोनों का बेस इक्वल है, मतलब दोनों की हाइट भी इक्वल हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल इक्वल है, सेम है, दोनों ट्रायंगल इक्वल ही रहेंगे क्योंकि हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है. तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है. तो यहां पे मैंने वही लिखा है, लाइज ऑन सेम बेस एंड पैरेलल एंड आल्सो इक्वल इन हाइट. तो दोनों ट्रायंगल एरिया में भी इक्वल हुए. तो हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखते हैं. देखिए यहां पे हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई और एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई. ओके, तो यहां पे देखिए ए एक्स वाई बी एक्स वाई ए रेशो ए एक्स वाई और सी एक्स वाई कॉमन ही है बिकॉज ऑफ ए बी एक्स वाई सी एक्स वाई फ्रॉम थर्ड से कॉमन है. ए एक्स वाई तो ऑलरेडी कॉमन ही है. तो इसका रेशियो क्या आया हुआ है हमारे पास, ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू इसका रेशियो आया है ए वाई अपॉन सी. तो ये हमारा हो गया प्रूफ. इसको हम लिख सकते हैं रीजन फ्रॉम वन टू एंड थ्री. फ्रॉम वन टू एंड थ्री ये जो रेशियो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो रेशियो क्या हुआ, इक्वल हुआ. इसका मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम में एग्जांपल में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, जो एक साइड थर्ड साइड को पैरेलल है, तो समझ लीजिए कि रेशियो जो है वो इक्वल है. यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम मिलेंगे, वहां पे हमें एक दो तीन चार क्वांटिटी है, चार में से कोई एक क्वांटिटी एब्सेंट रहेगी और आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे. तो आप ये रेशियो यूज करके आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो थ्योरम था वो उसी के लिए था. ओके, थैंक यू.